Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. And those who are new to my channel, hi, I'm Supriya Kuchudan. Thank you for coming to my channel. So, आज का व्लॉग बहुत ही डरावना होने वाला है. तो मैं कुछ दिन पहले भी अपने लाइफ से रिलेटेड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की स्टोरी शेयर की हूँ, तो मैं अपने कमेंट सेक्शन पे उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. तो गाइज, टू वॉच दैट वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वेट, इसको और भी इंटेंस करने के लिए लेट्स पुट द म्यूजिक. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आई हैव टू स्टोरी, एक मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है और एक मेरे कजन ने मुझे बताया है. सो आई स्टार्ट विथ मेरी फ्रेंड का स्टोरी. तो मेरी तरह मेरी फ्रेंड भी अपना स्टेट घर छोड़ के एक न्यू सिटी आती है बिकॉज उसकी कॉलेज में एडमिशन हो जाती है. सो यू ऑल नो दैट कि अपना जब आप न्यू सिटी शिफ्ट करते हो, सबसे पहले आप घर ढूंढते हो, लाइक न्यू फ्लैट्स, घर रेंट ढूंढते हो. तो उसी तरह मेरी फ्रेंड भी एक फ्लैट ढूंढती है. तो जब वो शिफ्ट करती है उसमें, तो स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज फाइन, कुछ भी उसको फील नहीं होता है. और वो घर भी थोड़ा सा अजीब सा था, थोड़ा सा उसको लाइक वो घर उसको पसंद नहीं था. बट वो थोड़ा होता है ना कि वो उसको मजबूरी में लेना पड़ता है बिकॉज उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं था. और उस समय जो ब्रोकर ने उसको घर दिखाया था, वही घर था जो खाली था, बाकी सब बिक चुका था. और क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, तो एनी हाउ उसको शिफ्ट करना था. सो शी थॉट कि चलो अभी शिफ्ट कर लेती हूँ, कुछ दिन के बाद मैं न्यू, मतलब कुछ मंथ्स होगा या कुछ दिन होगा तो मैं न्यू फ्लैट देख लूंगी. सो स्टार्टिंग में तो एवरीथिंग वॉज ओके, बट धीरे धीरे उसको उस घर पे बहुत अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आती है. तो एक बार होता क्या है कि वो सो रही थी, लाइक वो उस दिन उसके भाई भी आया हुआ था, तो उसके भाई बाहर वाले रूम में सो रहा था, वो अंदर रूम में सो रही थी. सो होता क्या है कि वो सो रही थी, तो उसको ऐसा फील होता है लाइक वो लाइट ऑफ करके थी. ठीक है, उसको मतलब नाइट बल्ब था, नाइट बल्ब तो यूँ मैं तो होती हूँ कि जब मैं बहुत डरपोक हूँ, सच बोले बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है. मतलब मुझे ना हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है. बट बाप रे, अकेले रहना मतलब मेरी बहुत फटती है, मैं क्या ही बताऊँगी, बहुत डर लगता है मुझे, मैं बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ, बता नहीं सकती. तो होता क्या है कि मेरी फ्रेंड भी नाइट बल्ब ऑन करके सो रही थी, तो उसको दिखता है कि उसका बेड ऐसा था, उसको जस्ट सामने में उसका स्टडी टेबल था, उसको दिखता है कि वो कोई बैठा हुआ है. ठीक है, कोई ऐसा टेबल पे बैठा हुआ है. गॉड भाई सारे, तो मैं अकेली हूं इस फ्लैट में और पता नहीं क्या ठक 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 नॉक किए जा रहा है. भगवान, मन डरा यार, मुझे अपने मतलब यूट्यूब फैमिली को अपना कुछ वीडियो तो शूट करने दो भाई साहब, मैं ऐसा में कैसे वीडियो शूट करूंगी. आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दिया कि नहीं, दो तीन बार नॉक नॉक, पता नहीं क्या चीज था. एक्चुअली कबूतर भी बाहर में, तो मैं भी शायद वो ऐसा कर रहा हूँ. बट यार प्लीज, वीडियो तो शूट करने दो यार भाई, घूसबंस आ जाते हैं यार, मैं बहुत डरपोक हूँ. पता है अभी कितना बज रहा है, अभी 12 बज रहा रात के. सोचो मैं इतनी डरपोक हूँ गोरी, बट फिर भी मैं इतना हिम्मत करके बता रही हूँ आप लोगों को. हाँ, तो मैं कहाँ थी भाई, कौन है, शायद ऊपर वाले होंगे, ऊपर दूसरे फ्लोर वाले होंगे यार. हाँ, तो जो मुझे एक अंकल में गाड़ी सुनाई दिया, चलो कोई तो है, लाइक अभी तक कोई सोया नहीं है. हाँ, तो होता क्या है कि मेरी फ्रेंड का बेड इस तरफ था, उसके जो सामने में स्टडी टेबल था, तो उसको ऐसा दिखता है कि कोई स्टडी टेबल में बैठा हुआ है. सो उसी थॉट कि उसका उसको क्योंकि उसका भाई भी उस दिन आया हुआ था घर पे, तो उसी थॉट कि उसका भाई है, तो उसने उसको आवाज़ दिया एक बार, फिर दूसरी बार उसने फिर से आवाज दिया, उसने कुछ भी नहीं बोला. ठीक है, उसके बाद फिर ना थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा फील होता है कि वो जो था जस्ट उसके मतलब पास में आके बैठ गया. आपके पास में बेड में कोई बैठता है तो आपका जो मैट्रेस रहता है थोड़ा सा ऐसा नीचे हो जाता है ना, थोड़ा कोई भी बैठता थोड़ा सा वो नीचे ऐसा वो चला जाता है. तो उसको भी ऐसे फील हुआ कि कोई बैठा हो उसके बगल में. और उस समय ना उसका बॉडी बोलती है ना कि कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी बोल भी नहीं पा रही थी और ना कुछ भी नहीं कर पा रही थी ऐसा करके. तो उसको क्या बोलता है कान में कि क्या हुआ ना. हाँ, तो वो ना एकदम अंदर अंदर ना बहुत प्रेयर करने लगती है कि अपना वो प्रेयर करती है. तो उसके पास वो ना उसको उसी समय उसको फील होता है कि कोई वैसा आया हुआ है, कोई बैठा हो उसके सामने में, क्योंकि वो मैट्रेस थोड़ा सा नीचे हो जाता है. तो उसको उसके कान पे बोलता है क्या हुआ, प्रेयर कर रही हो.
ऐसा करके। और जैसे ही मुझे ये इंसिडेंट मेरी फ्रेंड ने बताया, मैं तो थी कि भाई मैं अब जा रही हूँ तेरे, मुझे तेरे फ्लैट में नहीं रखना, मुझे जा रही हूँ भाई, ऐसा करके। तो उसके बाद ना, उसके बाद वो बेचारी सो भी नहीं पाई, बोलती पूरी रात वो जगी हुई थी। फिर बाद में जाके वो अपने भाई को भी उठाई, उसको बोली कि तुम था क्या मेरे रूम में, ऐसा करके। तो बोला क्यों रहूँगा, मैं तो सो रहा था, ऐसा करके। सो मतलब उसको फिर ना बहुत वियर्ड फील हुआ कि यार जब उसका भाई ना था तो कौन था वो इंसान जो कि उसको ऐसा कांड पे ऐसा बोल कि क्या हुआ क्या हुआ, प्रेयर कर रही हो, ऐसा करके। सो बहुत ही अजीब था ये वाला, बहुत मतलब वो गॉड मेरे कान पे कोई ऐसा बोलेगा तो मैं तो वहीं मर जाऊंगी, मैं तो क्या ही बोलूंगी। बट फिर उसने वो जल्दी से उसी समय उसने सोचा कि नहीं मुझे इस फ्लैट में नहीं रहना भाई, मुझे शिफ्ट करना करके। तो ऐसा हुआ, बस उसके साथ ऐसी एक ही बार उसके साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ था। बट उसके बाद कुछ भी ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ था, मुझे बताने में बहुत फट रही है, मैं पता नहीं कैसी बता रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। पर अजीब अजीब सा आवाज़ भी आ रही थी, तुम कबूतर बाहर में ठक ठक किया जा रहा, ऊपर वाले फ्लोर पता नहीं 12 बज रहा, फिर भी उनको नींद नहीं आ रहा भाई इतना जल्दी, पता नहीं क्या ही कर रहा, पता नहीं क्या आवाज़ कर रहा। हाँ तो ये था। फिर उसी फ्रेंड ने मुझे और एक स्टोरी बताया था अपने स्टेट का। तो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उनके 2-3 पहले भी ऑलरेडी 2 बच्चे थे, बट एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। तो वो जो हस्बैंड था बहुत 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 पीता था, बहुत ज़्यादा पीता था। तो वो हमेशा घर में आता था, लड़ाई करता था या अपनी वाइफ से मारता वरता था। तो एक बार क्या होता है ना कि उसकी न्यूबॉर्न बेबी होती है, उस दिन भी वो पिया हुआ था, वो पता नहीं कहाँ पीने चला गया था। उसको उसको अपनी फैमिली से कुछ मतलब ही नहीं था, कि उसको पता है कि इसकी आज बच्ची बेबी इसकी बेटी होने वाली है, शायद से बेटी थी या हाँ होने वाली, उसको मतलब ही नहीं। वो बाहर चला गया, पी रहा क्या कर कुछ भी नहीं। रात में आता तो उसकी वाइफ सो रही थी और उसका बेबी था। तो ना उसकी वाइफ पता नहीं कैसे वो ना उसके ऊपर सो जाता, जैसे सुनने को आया तो उसने मेरी फ्रेंड ने ये बताया कि उसके ऊपर सो जाता। ऑब्वियसली बात तुम्हारा अभी थोड़ा देर पहले 2-3 घंटा पहले हुआ है बेबी, वो बॉर्न हुआ, तो उतना कितना सेंसिटिव रहता ना उसके उसके ऊपर कोई इतना बड़ा सा आदमी ऐसा बैठ जाएगा सो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो जिंदा थोड़ी रहेगा ना। तो वैसे बेचारे आई एम फीलिंग सो बैड फॉर हर कि वो ना चली जाए, मतलब उसका डेथ हो जाता है वहाँ पर। तो इसको लेके जाता है, उसको ना लेके जाता है फिर अपने घर के पीछे जंगल टाइप का, तो वहाँ पर वो उसको मतलब फेंक देता है। एंड फिर कुछ दिन के बाद ऐसा सुनने को आता है कि गांव वालों को, वहाँ के आसपास वालों को सुनाई देता था कि वो उसी टाइम पर, उसने मुझे टाइम नहीं बताया, बट जब वो बेबी ऐसा डेथ हो जाता ना उसी समय उसका वैसे अजीब से बच्चों का रोने का आवाज़ आता है, ऐसे उसने मुझे बताया था। तो यही था, उसने मुझे 2 स्टोरी शेयर किया था। और ऐसे ही मुझे बताते बताते कुछ एक इंसिडेंट याद आ गया, लाइक मैं ये खुद अपने आँख से देखी, लाइक मेरी ये लाइव प्रूफ है मैं बोल सकती हूँ। तो जब मैं ये फ्लैट शिफ्ट गई थी, तो एक शॉप मतलब एक हमारे यहाँ आगे जाके एक शॉप है उसके दूसरे वाले गली में, तो मेरी जो फ्रेंड है जिसने ये स्टोरी बताया था उसी के साथ मैं न्यू फ्लैट शिफ्ट मतलब देख रही थी उसके लिए। तो हम लोग ऐसे ना बाहर बैठे मतलब खड़े हुए थे शॉप के पास, तो हमें दिखता है मतलब एक गाड़ी मतलब एक पुलिस वाली गाड़ी पार होती, तो हमारी शॉप के पास रुक जाती है, एक आदमी से बात करता है, मतलब कोई अंकल थे वो बात करते, फिर बोलता है कि उसको कि तुम वो क्राइम सीन से आ रहे हो क्या। फिर जैसे हमने वो वर्ड सुना क्राइम सीन, वी वे रियली शॉक कि क्या ऐसा करके। फिर हम मेरे फ्रेंड हम दोनों को एक दूसरे को देख रहे थे कि यार क्या हुआ करके। फिर उधर से हम लोग देखते हैं कि सब वो जो नहीं होता क्राइम सीन पे जो बॉक्स रहता है अपना, जो भी उस पर क्या क्या दिखा सर्च करता है उसके, जो आई डोंट नो CBI वाला जो भी बॉक्स में जो रहता है सूटकेस में जो लेके आते हैं, हाँ तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगी। तो हाँ वही सूटकेस लेके आ रही थी, 2-3 लड़कियाँ थी, कोई CBI वाले लोग थे। तो हमें कुछ देर के बाद पता चलता है कि एक ना न्यूबॉर्न बेबी आई थी, 2 मंथ्स हुआ था शायद से, हाँ 2 मंथ्स समथिंग कुछ, तो 2 मंथ्स आई थिंक, हाँ 2 मंथ्स हुआ था वो बेबी का। तो या 2 मंथ्स हुआ था वो बेबी को, तो वो बेबी को ना वो एक नाला टाइप का है, तो वहीं पर ना कोई फेंक दिया था और उसको मरे हुए आई थिंक 3 डेज हो गए थे। तो
आई फेल्ट सो बैड कि यार जब आपको बच्चा नहीं चाहिए तो क्यों करते हो ना, जिसके पास नहीं होता वो लोग गॉड से कितना प्रेयर करते हैं कि हमें मतलब प्लीज एक भी बच्चा दे दो करके, और जिसके पास होता जिनको मिलता वो उस चीज़ का वैल्यू नहीं करता। अगर नहीं चाहिए आप लोगों को तो मत करो, मतलब जो मैरिड है बोल रही हूँ उनको कि नहीं चाहिए तो मत करो ना, बट ऐसे क्यों बेचारा उसका क्या गलती था यार तुम इसको फेंक दे रहे हो, इतना बुरा लगाना कि मतलब हमारे उस समय ना जब हमने ये इंसिडेंट सुना था हमारे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे थे कि क्या हुआ था कैसा मारा था करके, बिकॉज मुझे है ना मुझे बेबीज बहुत पसंद, लाइक ऐसा गोदी करना मतलब थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बट हाँ कि हाँ इतना भी किसी के साथ बुरा मत करो ना, बेचारा वो अभी तो जन्मा, उसको उसने पूरे वर्ल्ड भी नहीं देखा तो उसको क्यों मारो, नहीं चाहिए तो मत करो बेबी भाई प्लीज़, ऐसा कोई मतलब मासूम लोगों को मत ऐसा मार दो, बेचारा टू मंथ्स का था वो, 2 मंथ्स का बेबी था, सोचो ना इतना बुरा लगा ना हमें, बहुत खराब लगा। और ये भी पॉसिबिलिटी था कि हमें शुरू में लगा कि हमारे ही एरिया के ही मतलब कोई किए होंगे, बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी से क्योंकि वो नाला बहता है ठीक है, तो मे बी शायद कोई दिल्ली के दूसरे पार्ट से भी हो सकता है उधर आया होगा, फंस गया था एक्चुअली वो फंस गया था नाला, तो उससे फिर पानी नहीं बह रहा, तो जो आता है ना साफ करने नाला साफ करने वाला, तो उसने वो देखा, तो उसने देखा फिर पुलिस को कॉल वॉल किया, फिर सर्च किया गया ऐसा था। सो लेट्स मूव टू द अदर स्टोरी। सो ये स्टोरी ने एक इंसिडेंट, ये बहुत बहुत ही रियल है, रांची पीपल विल नो दिस इंसिडेंट बहुत अच्छे से, बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो एक लड़की होती है वो उस कॉलेज में आती है अपने एग्जाम लिखने के लिए, ऑल दो वो दूसरे कॉलेज से थी, तो हमें एक एग्जाम जब भी मिलता तो एग्जाम सेंटर मिलता, तो उसको वैसे ही एग्जाम सेंटर मिलता, तो उस कॉलेज में लिखने आती है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो उसका बॉयफ्रेंड था कि मामा थे, कोई तो था, तो ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप में थी, बट वो लड़की का कहीं और शादी फिक्स्ड हो जाता है, तो उस लड़के का कहना था कि उसको जैसे वो एग्जाम, पहले आपको इंसिडेंट बताती हूँ, तो एग्ज़ाम लिखने गई थी वो, तो जैसे वो बाहर निकलती है तो उसका पूरा गला ऐसे काट दिया जाता है पूरे सबके सामने, और ऐसा सुनने को मिला था कि उसकी जो फ्रेंड थी साथ में वो उस इंसिडेंट को देख के इतनी तो क्या बोले तुम, सीरियस हो गई थी, कोमा में चली गई, तो कुछ बोल नहीं पाती थी, मतलब कुछ 3-4 मंथ्स तक ऐसी हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। तो उस मारने के बाद उस लड़के का कहना था कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं सकती है, व्हाट द फक, मतलब क्या है ये, मेरी नहीं तो किसी के, प्यार उसको नहीं बोलते हैं यार, प्यार क्या होता है, प्यार में लोग सैक्रिफाइस करते हैं, हाँ ठीक है यार उसको जाने दो, अब तो तुम्हारे लिए जो नहीं है तो नहीं है, उसको तुम फोर्स करके नहीं रख सकते हो, कुछ भी चीज़ को फोर्स करके रखने वाला चीज़ बिल्कुल भी नहीं चलता, लेट मी टेल यू दैट, की तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वैसे उसी कॉलेज भी था और उसी कैंपस के अंदर हॉस्टल्स भी था, बॉयज हॉस्टल्स था, बट वो कॉलेज दोनों बॉयज गर्ल्स के लिए था, बट हॉस्टल वॉज फॉर ओनली बॉयज। तो उस हॉस्टल में मेरा अपना कजन रहता था, तो वो बताता जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर रात में, जैसे वो ऑब्वियसली बात है लड़के हो तो कैंपस में घूमते रहते थोड़ा डिनर के बाद से थोड़ा सा टहलते हैं, तो ऐसे मेरे कजन ने मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत ही मतलब कोई लड़के का रोने का आवाज़ सुनाई देता है, तो कोई वहाँ जाता नहीं था ऐसा करके। सो लाइक मैं वो कॉलेज से नहीं बोलूँगी थोड़ा, तो वो कॉलेज से मैं थोड़ा सा टच में हूँ, मतलब क्लोज हूँ कॉलेज से, तो जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत बहुत डर लगता था, अरे यार मतलब ऐसा चीज़ होता है। सो बस यही एंड करती हूँ, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बिकॉज मेरे साथ कोई रहता तो मैं आप लोगों को और भी कुछ अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इंसिडेंट बताती और भी कुछ शेयर करती, बट मुझे अभी इतनी ही मेरी हिम्मत है और मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। सो आई एम जस्ट एंडिंग माई व्लॉग हियर, एंड डू कमेंट डाउन कि आपको अगले वीडियो कौन सा चाहिए, और ऐसे ही मुझे प्यार ढेर सारा, मुझे आप सपोर्ट करो, और मिलती हूँ आपको आप लोगों से मेरी नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय, टेक केयर।